नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय सुमित सबसे ज़्यादा परेशान है और परेशान होने का रीज़न भी आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि दोस्तों इस समय सुमित इसीलिए परेशान चल रही हैं क्योंकि बिना किसी मतलब के जो कि श्लोक और सुमित को इस समय गुनहगार साबित कर दिया है कि हाँ इन दोनों ने किस तरीका से अलग अलग पहले तो मारने की कोशिश की थी नाज को, और उसके बाद में बात की जाए श्लोक की तो श्लोक ने छेड़ा खाने की थी यानी रेप करने की भी कोशिश की थी। इतनी इतनी दफाएं लगाई जा रही हैं श्लोक के ऊपर और टारगेट करने के मुकाबले में सुमित को भी कम टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि सुमित के ऊपर भी लगातार हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार श्लोक ने और सुमित ने भला ही किया था, नाज की जान बचाई थी एक्सीडेंट के बाद में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो उल्टा ही आरोप लग गया है और पाकिस्तानी फौज इस समय बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होकर लगातार अटैक कर रही है। आखिरकार इंडियन जो हैं ये लोग, आप लोग जानते हैं कि ऐसा करना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी इनका एक नहीं बल्कि इस समय कई मकसद और भी देखने को मिल रहे हैं। सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये एक रियलिटी है और एक ऐसी रियलिटी है कि जो सभी लोगों को पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर श्लोक बोलता हुआ नजर आएगा कि अगर हम भारतीय नहीं होते तो आप लोग हमसे कुछ नहीं कहते क्योंकि तुम भारतीयों से फूटते हो। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर श्लोक और सुमित सीधा सीधा टारगेट जो कर रहे हैं वो सिर्फ इंडियन होने के नाते ही इन लोगों पर टारगेट किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी फौज को इस समय सुमित एक चीज़ और बोलती हुई नजर आने वाली है कि लाख कोशिश कर लो लेकिन अगर तुम्हारा भांडा फूटना तो बिल्कुल निश्चित है। आप लोग जानते हैं कि इस समय सुमित ने भी साफ साफ बोल दिया है कि जो होगा वो देखा जाएगा, ना हम तुमसे हार माने थे और ना हम कभी हार मानेंगे क्योंकि हम भागेंगे। थैंक यू।